फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ब्लॉग विद दिव्या डायरीज। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके अभी अपने चैनल पर दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी केवीसी से रिलेटेड, और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने केवीसी के रजिस्ट्रेशन इस बार किए थे, और उन रजिस्ट्रेशनों में मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो क्लियर हो गया था, और वहां से मेरे पास एक कॉल भी आ चुकी थी। और वो उस कॉल में क्या उन्होंने मुझसे जानकारी ली थी, क्या इन्फॉर्मेशन ली थी, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे उस वीडियो को देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी फर्स्ट कॉल वहां से आई थी, आईवीआर कॉल, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके मैंने आंसर दिए थे, और उसके बाद उनकी टीम से मुझे बोला गया था कि आप 10 दिन वेट करिएगा सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल में आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी का आईवीआर कॉल आने के बाद सेकंड कॉल नहीं आता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसी चीज को उन्होंने बोला था कि आप 10 दिन वेट करिएगा, उसके बाद हम आपको सेकेंड कॉल आपको हम करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी था। तो मैं भी वेट कर रही थी सेकेंड कॉल का कि कब आएगी, तो लेकिन मेरे पास भगवान की कृपा से सेकेंड कॉल भी आ गई है वहां से केवीसी की टीम की तरफ से। और उस जो कॉल आई थी, उस कॉल में मुझसे ये बोला गया है कि मेरा 30 मई को ऑनलाइन ऑडिशन होगा केवीसी के लिए सोनी लिव ऐप के थ्रू। सोनी लिव ऐप मुझे मैं लॉगिन करना होगा, और उस लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन ऑडिशन होगा, जिसमें मुझसे जीके के क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉल में उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन किए थे जिनके आंसर मुझे 20 सेकंड में देने थे, वैसी सेम प्रोसेस इसमें रहेगी। बस इसमें जो क्वेश्चन हैं वो उनकी संख्या ज्यादा रहेगी। उसमें मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें शायद ज्यादा भी होंगे। जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और क्वेश्चन आंसर होने के बाद आपका अगर जीके का क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, उसके बाद मुझे उनकी टीम की तरफ से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड और मेरी फैमिली से रिलेटेड। तो उसके लिए मुझे कुछ वीडियो बनानी पड़ेंगी, जो 1 या 1.5 मिनट की वीडियो होंगी, उन वीडियो को भी बना के मुझे उनकी टीम को भेजना रहेगा। और जो वीडियो बनेगी वो आपकी वीडियो में जो भी आप जानकारी देते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के बाद जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है केवीसी के रूल की तरफ से, कि इस वीडियो में आप जो भी बताते हो वो बिल्कुल रियल होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तो वो दोनों बातों को आपको मैच किया जाता है कि आपने पहले क्या बोला और अब क्या आप बोल रहे हो। तो जो वीडियो होते हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, इम्प्रेसिव होने चाहिए, और उनको लगेगा कि अगर हाँ मुझे नेक्स्ट राउंड में बुलाना चाहिए तब वो मेरे पास नेक्स्ट कॉल करेंगे। तो अभी जो 30 मई का अपडेट है वो यही है कि मुझे ऑडिशन में बैठना है सोनी लिव ऐप के थ्रू लॉगिन करके, और उसमें क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं, और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए जो भी वहां से क्वेश्चन आएंगे उनको बना के भेजनी है, और नेक्स्ट वो क्या रैंकिंग निकालते हैं, क्या होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट कॉल के थ्रू मुझे या मेल के थ्रू मुझे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अगर ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है केवीसी का, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया था, और उन्होंने जो भी मुझसे, जिसे हम आईवीआर कॉल बोलते हैं, जो सबसे पहली कॉल होती है उसको आईवीआर कॉल बोलते हैं, उस कॉल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या होता है, वो मैंने सब अपने पहले वाले वीडियो में आपको सेंड किया है। पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है, तो आप मेरे उस वाले वीडियो को भी जाके एक बार चेक करिएगा। और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए प्रे करें, जिससे कि मेरा ये जो 30 मई वाला ऑनलाइन ऑडिशन है वो भी क्वालिफाई हो जाए, और उससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी बात होगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगी। और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप मेरे पहले जाके वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप मेरे लिए 30 मई का जो भी है वो उसके लिए प्रे करें कि मेरा हो जाए, और जो भी अपडेट होगा 30 मई के बाद मैं आपको बताऊंगी। मुझे विश करिएगा कि मेरा वो ऑडिशन है वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, और जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगी। तब तक के लिए आप अपने और अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, घर में सुरक्षित रहें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लवली फ्रेंड्स, बाय बाय।